अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लीमू में ये मिलाकर लगाने से हाथ पैरों की रंगत ऐसे साफ कि आप यकीन नहीं करेंगे। जिस तरह चेहरा इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, इसी तरह हाथ और पांव भी आपकी नफासत और शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। खुदरे हाथ और फटी एड़ियां खवातीन की सारी खूबसूरती को घटा देती हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानिए कि जिल्द की सफाई से मुराद सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि गर्दन, हाथ, पांव भी हैं। अगर आपका चेहरा साफ मगर जिल्द की रंगत काली हो तो ये आपकी खूबसूरती को बुरी तरह मुतासिर करती है। 10 जेल में से 5 ऐसी टिप्स बताई जा रही हैं आपको, जिनके रोजमर्रा इस्तेमाल से आप अपने हाथों पैरों की खूबसूरती, दिलकशी बरकरार रख सकती हैं। नंबर 1, रात को सोने से पहले खालिस रोगन बादाम से हाथ पैरों की मालिश कर लें। नंबर 2, अरके गुलाब, लीमू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर एक बोतल में भर लें। दिन में 4 मरतबा इसके कतरे हाथों पर मलें। नंबर 3, लीमू का रस और सिरका हम वजन लेकर लोशन बना लें। ये हाथ पैरों की रंगत निखारने के लिए बेहतरीन है। नंबर 4, एक अंडे की सफेदी को फेंट कर इसमें थोड़ी सी फटकड़ी शामिल करके हाथ पैरों, केहनियों और नाखूनों पर मलें। इससे हाथ पैर और नाखून, केहनियां नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगी। नंबर 5, बेसन, हल्दी, लीमू का रस और दूध का मिक्सचर बनाकर हाथों पैरों पर 15 मिनट तक लगाएं, फिर धो लें। इससे जिल्द चमक उठेगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।